Hello and welcome to Lavneesh sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light in this worksheet, and we'll also discuss the topic playing with spherical mirrors. यानी आज की इस वर्कशीट में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ न्यूली बॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन अ स्टेनलेस स्टील स्पून? क्या आपने कभी अपनी इमेज को एक नई स्टील की प्लेट या नई स्टील की चम्मच में कभी देखा है? इफ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन वॉट यू ऑब्जर्व. अगर नहीं तो अभी अपनी किचन में जाएं और देखें और ऑब्जर्व करें कि आखिर क्या आपको नज़र आता है. इफ़ येस, इट्स टाइम टू रिकैप. और अगर आपने पहले से देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए और फिर देखिएगा आपको दोनों इमेजेस में क्या चीज़ डिफरेंट लगी. सो द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर. जो कर्व शाइनिंग सरफेस होता है ना एक चम्मच का, वो मिरर की तरह काम करता है. और ये तो हमने लास्ट वर्कशीट्स में डिस्कस भी किया था कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि मिरर की तरह काम करती हैं, जिसमें से एक शाइनिंग सरफेस वाली स्पून या फिर प्लेट भी हो सकती है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर. और जो सबसे सामान्य एग्जाम्पल है कर्व मिरर का, वो स्फेरिकल मिरर होता है. अब ये स्फेरिकल मिरर कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, लेट्स सी. टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव. कॉनकेव का मतलब होता है द इनर सरफेस ऑफ द स्पून. इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. देखिए कॉनकेव मिरर आपको यहाँ साइड में दिखा भी रखा है. जब हम चम्मच को उल्टा करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है. देन इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. जैसे कि जब आप चम्मच को सीधा करके देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो इसी तरह से आप ध्यान से देखेंगे, कॉनकेव मिरर जब आप चम्मच को उल्टा कर देंगे इनर साइड ऑफ स्पून, और कॉन्वेक्स मिरर जो आउटसाइड ऑफ स्पून होता है, यानी चम्मच को जब सीधा करके ये देखते हैं. इस तरीके से ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर्स के टू टाइप्स हैं. देन इमेज द अपियरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट्स इमेज. तो देखिए इमेज के बारे में तो मैंने पहले आपको भी समझाया हुआ है, पहले भी समझाया है कि इमेज फॉर्म कैसे होती है. जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी मिरर पर जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज के अंदर एंटर करती है तो हमें उसकी इमेज नज़र आती है. तो इसलिए जो अपियरेंस होता है, ऑब्जेक्ट का अपियरेंस होता है, वो कैसे, मतलब जो जब मिरर से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक अपियरेंस बनाती है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम उसे उसकी इमेज कहते हैं. ठीक है, देन इमेज इज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स से जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, एक बार ज़रूर देखते हैं. एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. देखिए जो स्क्रीन पर इमेज बनती है वो हमेशा एक रियल इमेज होती है. जैसे स्क्रीन, जैसे हम, अगर आप देखें तो हम फिल्म में देखते हैं. जैसे द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जो आप सिंपल मिरर में अपनी इमेज देखते हैं ना, उसको आप स्क्रीन पर कभी भी नहीं देख सकते, मतलब स्क्रीन पर उसको नहीं डाला जा सकता, उस पर स्क्रीन पर उसको नहीं दिखाया जा सकता, उसी इमेज को वो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो सकती. सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. और इस तरीके की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो कि हमें एक प्लेन मिरर में दिखाई देती है. इसके बाद द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और अ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. अगर कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको समझाया है,
जब आप कॉनकेव मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं, तो वो इमेज के साइज से छोटी या बड़ी दोनों हो सकती है। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है या जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज मे ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल। और ये इमेज कैसी हो सकती है? रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। किस में? कॉनकेव मिरर में जो बनती है। देन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी एक आभासी इमेज होती है, आभास करती है हमें, वर्चुअल वर्चुअलिटी उसकी दिखाती है, और वो सीधी होती है हमेशा, याद रखिएगा सीधी होती है। एंड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो जो इमेज होगी कॉन्वेक्स मिरर से जो बनेगी, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, याद रखिएगा। तो सिंपल मिरर से क्या बनता है? प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव मिरर से जो वर्चुअल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से बड़ी या छोटी दोनों हो सकती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है और बिल्कुल सीधी होती है, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। देन यूज़ ऑफ स्फियरिकल मिरर्स। अब स्फियरिकल मिरर्स के यूज़ क्या होते हैं? और आपने कभी कभी किसी मेले वगैरह में, फेयर में गए होंगे, तो वहाँ पर आपने बहुत सारे मिरर्स देखे होंगे जिसमें आपकी इमेज तरह तरह की दिखाई देती है। किसी में आप मोटे लगते हो, किसी में आप लंबे लगते हो, छोटे लगते हो, तो वो भी यही मिरर्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं या कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो किस यूज़ में आते हैं? कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। देखिए जो डेंटिस्ट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डेंटिस्ट के पास गए होंगे या उनके पेरेंट्स कभी गए होंगे, तो देखिए जो हमारे टीथ होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब उनमें क्या बीमारी है, क्या मुश्किल है, तो उसको हमें बड़ा करके देखना पड़ेगा, तभी तो डेंटिस्ट उसको देख पाएगा। तो कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि टीथ की एनलार्ज इमेज को देखा जा सके, उसकी बड़ी इमेज को देखा जा सके, जैसे कि पिक्चर वन में हमें दिखाया गया है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। देखिए जो टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर्स होते हैं और कार्स और स्कूटर्स की हेडलाइट्स होती हैं, जो उनके आगे मिरर लगा होता है वो भी कॉनकेव शेप का होता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स एंड रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स होते हैं, आपने देखा ना साइड वाला व्यू देखने के लिए, और एक रियर मतलब जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है और दोनों का ये यूज़ होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कौन सी साइड होती है? इनर साइड ऑफ स्पून इज कॉनकेव मिरर। एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर इज आउटर साइड ऑफ स्पून। देन क्वेश्चन नंबर टू, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है उसकी टू प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो वर्चुअल इमेज बनाती है और सीधी इमेज बनाती है। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो इससे इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको कॉनकेव मिरर के टू यूजेस बताने जो अभी अभी हमने समझे हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, यानी टीथ के बड़ी इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। देन कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स। तो कार्स और स्कूटर्स की हेडलाइट्स में और टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उनमें कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड इफ पॉसिबल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, आप वैक्सीनेशन इसका जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।